डेली कैंडी में अभी की खबर है, क्या है इंटरनेट एपोकैलिप्स का खतरा। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार सूर्य अगले 2 वर्षों में सोलर मैक्सिमम ऊर्जा तक पहुंच जाएगा। यह घटना सौर तूफान का कारण बन सकती है जो पृथ्वी से टकरा सकता है। इसके चलते विशेषज्ञों द्वारा इंटरनेट एपोकैलिप्स या इंटरनेट सर्वनाश के खतरे की संभावना जताई जा रही है। साथ ही यह घटना समुद्र के नीचे संचार केबलों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे लंबी दूरी की कनेक्टिविटी बाधित हो सकती है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि इससे बिजली कटौती हो सकती है। आइए बात कर लेते हैं सोलर मैक्सिमम के बारे में। यह वह समय अवधि है जिसके दौरान सूर्य चरम सौर गतिविधि का अनुभव करता है। इसका चुंबकीय क्षेत्र सबसे मजबूत और सबसे अव्यवस्थित गतिशील बिंदु तक पहुंच जाता है। इस समय के दौरान बढ़ी हुई सौर गतिविधि बड़े पैमाने पर सौर तूफान, विस्फोट और ज्वाला का कारण बन सकती है। बता दें कि सौर चक्र एक 11 वर्षीय चक्र होता है। इंटरनेट सर्वनाश के बारे में अगर बात करें तो इस शब्द का प्रयोग एक शोध पत्र सोलर सुपरस्टॉर्म्स प्लानिंग फॉर एन इंटरनेट एपोकैलिप्स में हुआ था। इसके कारण सैटेलाइट, रेडियो सिग्नल और इंटरनेट बंद हो जाते हैं। बात करते हैं कि सौर तूफान क्या होते हैं। सूर्य पर यह एक विक्षोभ है जो सूर्य की बाहरी परत यानी हेलियोस्फीयर से अत्यधिक ऊर्जा का विस्फोट होता है, जिससे पूरा सौरमंडल प्रभावित हो जाता है। इसका उपयोग वायुमंडलीय प्रभावों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जो सूर्य की सतह पर होने वाली कुछ घटनाओं के माध्यम से पृथ्वी पर दिखाई देते हैं।